हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सही समय में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। 15 अगस्त से पहले 9 अगस्त को जय हिंद आ रही है और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। एक एक्शन ओरिएंटेड लव स्टोरी है जिसमें आपको पूरी फैमिली के लिए सब कुछ मिलेगा, पूरा मसाला मिलेगा। फैमिली ड्रामा है एंड बहुत चीज़ें हैं फिल्म में जो आप लोग जब जाके देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। गाने वैसे ही टिकटॉक पे हिट हो गए हैं। पवन जी का गाना लोगों को पवन जी का डायलॉग के पवन सिंह हूँ मूड बनने में टाइम लगता है, टिकटॉक पे ट्रेंडिंग है, इट्स बिकम अ हिट। सो ऑल थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आई होप कि जय हिंद आप लोगों को उतनी ही पसंद आए। मधु जी, पैट्रियोटिक फिल्म कह सकते हैं हम। हाँ जी, और मौका भी बड़ा पैट्रियोटिक है। 370 रिपील कर दी है गवर्नमेंट ने, बड़ा माहौल बना है देशभक्ति का देश में, ठीक है। आपका कमेंट ऑन बीइंग 370 रिपील बाय द गवर्नमेंट? आई एम वेरी हैप्पी। कश्मीर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, हिस्टोरिकल थिंग फॉर आर इंडियंस। सो ये बहुत खुशी की चीज़ है। आई रियली थैंक मोदी जी फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड के वापस टूरिज्म, अच्छा टूरिज्म जम्मू कश्मीर में आए और जो इतनी खूबसूरत चीज़ हम जाके देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म, डर लगता था लोगों को जाने से। होपफुली वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड वी ऑल विल गो एंड एन्जॉय जम्मू एंड कश्मीर एंड वी कैन बाय प्लॉट्स, वी कैन बी पार्ट ऑफ दैट प्लेस। उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। आपको बधाइयां, तो आपके सहयोगी आपके फोर स्टार पवन सिंह को भी देनी चाहिए क्योंकि वो भी बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी लीडर है। हाँ जी। और उनकी गवर्नमेंट ने बड़ा साहसिक फैसला लिया है। हाँ जी। Would you like to wish him? येस, आई वुड लाइक टू विश हिम, आई वुड लाइक टू विश एवरी वन जो भी इस चीज़ से कनेक्टेड थे, मैं उन सबको विश करना चाहूँगी, उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस। अब जय हिंद की बात कर लेते हैं। अब मुझे जरा ये तो पता है कि पैट्रियोटिक फिल्म है। हाँ जी। जय हिंद, लेकिन जरा कहानी के बारे में थोड़ा सा बताया, मधु शर्मा बेसिकली क्या कैरेक्टर है इसमें? जय हिंद एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। शुरुआत होती है विद अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु कम्स इन, मतलब इफ आई विल से, एक्चुअली मैं अपना कैरेक्टर रिवील करूँगी तो पूरी फिल्म की कहानी रिवील हो जाएगी, बट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था इसके अंदर। आई हैव वेरी डिफरेंट शेड्स इसके अंदर। मैं एक भोली भाली सहमी हुई सी लड़की भी हूँ, एक गृहिणी भी हूँ, शादी पवन जी से हो जाती है, तो मैंने आज तक वो रोल प्ले नहीं किया था जिसके अंदर एक भोजपुरी गृहिणी कैसी दिखती है, वो कैरेक्टर मैंने इसमें प्ले किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये प्ले करके। एंड उसके बाद जब हमारे प्यार के अगेंस्ट सब जाते हैं तो एक फाइटर भी है, सो आई हैव डिफरेंट शेड्स। मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैं फिरोज़ खान को और मेनली अभय जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है कि मैं फिल्मों में अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर सकूँ, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर सकूँ जिसके लिए लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप किसी को भी पैट्रियोटिक? हाँ जी। इतने सालों से आप पवन सिंह के साथ फिल्म कर रही हैं, कोई खास चीज़, कोई खास बात जो पवन सिंह ने आपने नोटिस की हो मैं बता सकती हूं आपको? एज एन एक्टर पवन जी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, सेट का माहौल बहुत ही हल्का रखते हैं। एंड कोइंसिडेंस ये हुआ है कि पिछले 3 साल से मेरी जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं 3 वो पवन जी के साथ ही हुई हैं, चैलेंज, उसके बाद ना तुझे सलाम और फिर जय हिंद। लोगों को हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, सो एक वो रीज़न है। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिंगर, और एक्टर तो कमाल के हैं ही। और क्या होता है जब आपका को एक्टर आपको कंफर्ट दे और वो चीज़ स्क्रीन पे दिखती है, वो कंफर्ट लेवल स्क्रीन पे दिखता है, जो लोगों को हम लोग की केमिस्ट्री देख के हमेशा लगा है, सो आई रियली फील गुड वर्किंग विथ हिम। बाकी इवन खेसारी जी, इवन दिनेश जी इज़ वेरी नाइस, बट कोइंसिडेंस हमेशा ऐसा हुआ है कि मुझे जो फिल्मों के ऑफर आए हैं वो पवन जी के साथ ही आए हैं। पवन सिंह के जो बारे में आपने बताया, मोस्टली चीज़ें आपने मुझे बतौर आर्टिस्ट बताया, बतौर एक्टर बताया, बतौर इंसान ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो इज़ वेरी नाइस। एक इंसान अगर इंसान अच्छा नहीं होगा
तो वो एक्टर भी अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में वो चीज़ झलक जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पवन जी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एक मस्तीखोर इंसान है जो सेट पे सेट का माहौल हमेशा हल्का रखते हैं, मस्ती करते रहते हैं, वेरी नाइस पर्सन ही इज़ एंड वेरी जोवियल। तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा एक्टर होता है। मीडिया में आपने जो बताया उस छवि के अलग कौन सी छवि बनाई गई है पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने बनाई है, बट कहा जाता है कौन सी बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और एक गुस्सैल शख्स की उनकी एक इमेज बनाई गई है, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? मुझे तो नहीं लगा, मैं उनके साथ 5 फिल्में कर चुकी हूँ, 5 फिल्मों में गुस्सा तो हर इंसान को आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, कभी कभी टाइम पीरियड ऐसा गलत हो जाता है कि उस टाइम पे ही कोई मीडिया वाला उनसे टकरा गया हो जब आपका मूड ख़राब हो, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ अ वेरी गुस्सेल इंसान, क्योंकि काम के टाइम भी तो बहुत मस्ती करते हैं। जितना भी मैंने उनके साथ 5 फिल्में की, मेरी पहली फिल्म उनके साथ शुरू हुई थी एक दूजे के लिए, मैंने तब भी देखा था कि वो बहुत शैतान टाइप के इंसान है, मस्ती करते रहते हैं सेट पे, तो गुस्सेल तो मुझे कभी लगा नहीं। मीडिया ने एक छवि बनाई है, कुछ रीजंस होंगे उनके, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा या मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। जब मैं बात जय हिंद की करता हूँ तो जय हिंद के जो ट्रेलर है शुरू में इसे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला जितनी शायद ये कहा जाता था। अब आजकल व्यूज को कामयाबी का पैमाना माना जाता है, उस शख्स से शायद जय हिंद के ट्रेलर को कम व्यूज मिले। हाँ जी, क्या रीजन थी इसके पीछे, क्या लगता है मधु शर्मा? रीजन मुझे भी समझ में नहीं आया कि व्यूज कम मिलने का रीजन क्या था, बट अगर आप ट्रेलर के नीचे कमेंट्स देखें तो भर भर के बहुत अच्छे कमेंट्स थे, लोग वेट कर रहे थे इस फिल्म का, वो हम लोग की टीम भी थोड़ी सी सरप्राइज थी कि व्यूज कैसे नहीं आए, बट होता है ना कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बट जो कमेंट्स हैं वो तो लाजवाब हैं। इवन इंस्टा पे जो मुझे मैसेजेस आते हैं या फेसबुक पे जो पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं कि 9 अगस्त का हम वेट कर रहे हैं। ट्रेलर आने से पहले मुझे मैसेजेस आते थे ट्रेलर कब आ रहा है, ट्रेलर कब आ रहा है, तो इतना एक्साइटमेंट मैंने सबका देखा था, उसके बाद व्यूज नहीं आए, दैट वाज इवन आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि क्यों नहीं आए। क्या कम व्यूज आने का कुछ असर, कुछ इम्पैक्ट फिल्म पर भी पड़ सकता है इन थिएटर्स? आई डोंट थिंक सो, थिएटर्स के लिए लोग जय हिंद के लिए लोग वेट कर रहे हैं थिएटर के लिए, क्योंकि पर्सनली जब मुझे मैसेजेस आते हैं या जो इवन लोगों के रिव्यूज देखे हैं, लोगों के रिएक्शंस देखे, तो मुझे तो लग रहा है कि वो जय हिंद का वेट कर रहे हैं। इन ट्रेलर के व्यूज बढ़ने से ना बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि मूवी पे कोई असर होने वाला है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अगर आप अपने फैंस को जो मधु शर्मा को देखते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मैं अपने फैंस को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों के ही वजह से हम हैं और आप लोग ही हमें और कामयाब कर सकते हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बुरे वक्त से जा रही है, तो आप लोग जाके थिएटर में मूवीज़ देखेंगे और जाके थिएटर में फिल्मों को हिट करेंगे तो ही हम और फिल्में बना पाएंगे। आजकल बहुत इजी हो गया है कि यूट्यूब खोला और लोग वेट करते हैं कि टीवी पे कब आएगी फिल्म या यूट्यूब पे कब आएगी। प्लीज़ आप लोग वो मत कीजिए, जाके थिएटर में फिल्में देखिए। आज सारी इंडस्ट्री आगे बढ़ी हुई है, मराठी हो, पंजाबी हो, तेलुगु तमिल हो, हर इंडस्ट्री आगे बढ़ती है बिकॉज उनके साथ उनके व्यूवर्स साथ चलते हैं। तो आज अगर हमारे भी पब्लिक हमारे साथ चलेगी और यूट्यूब को इतना मतलब करो आप यूट्यूब, मैं यूट्यूब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो चीज़ थिएटर में मज़ा देती है वो यूट्यूब पे नहीं देती है। तो जाइए फिल्मों को थिएटर में देखिए, हम लोग थिएटर में देखने के लिए फिल्में बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग भी फिल्में नहीं बना पाएंगे। तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग जाइए थिएटर में फिल्में देखिए, फिल्मों को थिएटर में हिट करिए ताकि और थिएटर्स बन सकें और भोजपुरी इंडस्ट्री और बड़ी होती जाए। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम मूवी, अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो आपने सबरंग और बीफा IBFA और अब बेस्ट एक्ट्रेस इन ज्यादातर फाल्के अवार्ड भी जीते हैं, तो इतने अचीवमेंट को पाकर आज आपको कैसा लगता है और आगे फ्यूचर में आपका लक्ष्य क्या है या टारगेट क्या है? बहुत खुशी होती है बिकॉज एक एक्टर के लिए जब अवार्ड मिलता है मतलब उसकी एक्टिंग को सराहा जाता है, पब्लिकली उस एक्टर की एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है, तो वही हमारा रिवॉर्ड होता है। एक पब्लिक का प्यार और जो अवार्ड्स, वही हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं, तो जब वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उसकी खुशी एक अलग होती है। मैं चाहती हूँ कि मुझे और अवार्ड्स मिले आप लोगों के लिए, जैसे मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा एक पारिवारिक फिल्म ही आप लोगों को दूंगी। मेरी तरफ से भोजपुरी
कोई वल्गर फिल्म नहीं आएगी, मैंने हमेशा वो चीज़ कायम भी रखी है। तो वैसी ही अच्छी फिल्में हमेशा आपको देती रहूँगी और आप लोग वैसे ही भर भर के मुझे प्यार और अवार्ड्स देते रहिए। भोजपुरी के अलावा आपने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कई फिल्में बनाई हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो सबसे कंफर्टेबल या फिर मैं बोलूँ सबसे दिल के पास या सबसे फेवरेट आपका क्या रहता है? मेरे सबसे दिल के करीब भोजपुरी है, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 ईजी लैंग्वेज और मुझे भोजपुरी ने बहुत प्यार दिया है। मेरे दिल के करीब इवन तेलुगू है, बिकॉज मेरा करियर शुरू वहाँ से हुआ था। मुझे आज जो भी सिखाया गया है वो वहीं से मैं सीख के आई हूँ, एक्टिंग, डांस, सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा है। तो ये दो, तेलुगु और भोजपुरी, मेरे दिल के बहुत 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 करीब हैं। तो 15th अगस्त आ रहा है और साथ में आपकी ये मूवी आ रही है, तो अपने दर्शकों को कोई मैं तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 15 अगस्त आ रहा है, मुझे 15 अगस्त का तोहफा चाहिए कि आप मेरी फिल्म को हिट कर दें। 9 अगस्त आप लोगों के लिए पेट्रियोटिक फिल्म बनाई है, जय हिंद है, तो एकदम परफेक्ट 15 अगस्त के हिसाब से जाता है। सो जाइए 15 अगस्त सेलिब्रेट कीजिए, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए, जाइए फिल्म थिएटर में देखिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अपनी अगली फिल्म जय हिंद के लिए, और कल यानी 9 अगस्त उस दिन क्रांति दिवस है और उसी दिन आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो कुछ बताएंगे इस फिल्म के बारे में? थैंक यू सो मच फॉर द विशेस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मेहनत से बनी है जय हिंद। इस फिल्म के अंदर हमारा खून पसीना लगा है, बिकॉज बहुत दिल के करीब रही है ये फिल्म मेरी। ये फिल्म की कहानी मैंने आज से 4 साल पहले खिलाड़ी के वक्त केसारी जी के मुंह से सुनी थी, एंड कभी कभी होता है ना, दिल से अगर आपने किसी चीज़ के लिए कहा हो कि काश ये फिल्म मेरे पास आए और वो आपके पास आ जाए, मेरे साथ वही हुआ। उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली कहा था, एक कहानी मेरे पास आई है, बहुत अच्छी कहानी, उन्होंने मुझे फ्लाइट में कहानी सुनाई थी, हम लोग मनाली जा रहे थे, एंड मन में ऐसे एक आवाज़ आई, काश ये फिल्म मैं करूँ। एंड आफ्टर 3 ईयर्स जनवरी में ये फिल्म का ऑफर मेरे पास आता है, एंड आई वाज सो सुपर एक्साइटेड कि वाओ, एटलीस्ट मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला, बिकॉज इस जय हिंद ने जो मतलब राधा का कैरेक्टर है उसमें इतने शेड्स हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हुई। हमने जोधपुर में वेदर के अगेंस्ट जाके शूट किया, बहुत गर्मी में, रेगिस्तान में, आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा, बहुत भागे हैं हम लोग, एंड बहुत खुशी होती है जब आपने इतनी मेहनत की और उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करें, एंड आई एम सुपर नर्वस ऑल्सो, क्योंकि आजकल क्योंकि जो भोजपुरी का हाल चल रहा है कि फिल्में चल नहीं रही हैं, तो वो देख के थोड़ा डर भी लग रहा है, बट आई नो मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, आई नो यू गोइंग टू सपोर्ट मी, एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप लोग आएँ, जाके देखें, जो वल्गैरिटी का एक ठप्पा भी लगा है भोजपुरी पे वो भी नहीं है इसमें, इट्स अ वेरी साफ सुथरा फिल्म, पूरी फैमिली के साथ आप जाके फिल्म देख सकते हैं और आप, मुझे यकीन है आप लोग जाके फिल्म एंजॉय करेंगे। हम अपने किरदार के बारे में बताइए, इस फिल्म में आप कैसा किरदार निभाने वाली हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा अपने कैरेक्टर के लिए बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे कैरेक्टर के ऊपर ही पूरी कहानी है, अगर मैंने उसका कुछ भी रिवील किया तो कहानी रिवील हो जाएगी, बट आई कैन जस्ट से दिस कि मुझे बहुत खुशी हुई है ये कैरेक्टर करके। एक साधारण सीधी सादी सी लड़की, फिर एक गृहिणी बनना और फिर अपने प्यार के लिए रिवोल्ट करना, इतने शेड्स हैं, सो ये शेड्स करके बहुत खुशी मिली है। बात करें तो इस पिक्चर में पवन सिंह भी है, पवन सिंह के ऊपर इस समय बड़ी मुसीबत चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि दो इंडिविजुअल जब एक दो लोग जब प्यार करते हैं तो उनके उस रिलेशनशिप में झगड़ा ऊंच नीच तो होती ही रहती है, वो ही एक प्यार का मेन बेस होता है कि आप लड़ते झगड़ते हो प्यार करते हो। ये चीज़ थोड़ी आगे चली गई है इसमें, एक मुद्दा हमने देख लिया है, अक्षरा जी का सुन लिया है कि वो क्या कहना चाहती हैं, अभी तक पवन जी सामने नहीं आए हैं, तो आई वुड से कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँगी नहीं जब तक पवन जी का क्या कहना है इसके ऊपर वो सुन लूँ। लेकिन मैम जिस तरह से अक्षरा मैम कह रही है कि लोगों को फिल्मों से निकालना, स्पॉट बॉय को निकालना, मतलब एक तरह से वो करते हैं कि फिल्मों से आउट करना, ये सब क्या ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं? मैं उनके साथ 5 फिल्में कर चुकी हूँ, ये मेरी 5वीं फिल्म है और 6वीं शुरू होने वाली है, मुझे तो आज तक ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। मैं तो नई हूँ, भोजपुरी भी नहीं जानती थी जब इस इंडस्ट्री में आई थी, आई वॉज टोटली न्यू, मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, मुझे तो ये आज तक फेस करने को नहीं मिला, वेदर पवन जी, केसारी जी और दिनेश जी किसी ने मुझे फिल्म से निकलवाया हो, एवरीबडी हैड सपोर्टेड, तो मुझे तो नहीं लगता कि दिस इज ट्रू, मेरे केस में तो आज तक ये हुआ नहीं है, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट हर।
लेकिन उनके समर्थन में कोई बोल नहीं रहा है। अक्षरा मैम के समर्थन में कुछ लोगों ने बोला, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया मीडिया के सामने। पवन जी भी नहीं आ रहे मीडिया के सामने बोलने के लिए। पवन जी हो सकता है किसी काम के लिए बिजी हो, बट आएंगे, जरूर आएंगे। अभी तो जहन के प्रमोशन के लिए वो आएंगे, तो आप लोग के सामने आने ही आने वाले हैं। एंड आई थिंक सो ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे। मैं इतना कह सकती हूँ जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पवन जी के साथ, 5 फिल्में कर चुकी हूँ, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मस्ती मजाक करते रहते हैं, मस्ती मजाक करते करते पूरी फिल्में खत्म कर देते हैं। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी एक्टर को उन्होंने डोमिनेट किया हो, या कोई सीन के अंदर वो मतलबी पना उनके अंदर आया हो कि भाई मैं इस फिल्म में मेन, मैं हीरो हूँ तो मैं हीरोइज्म दिखाऊँ। वो हर कैरेक्टर को उठाना चाहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि एक फिल्म में जब तक हर कैरेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक वो फिल्म फिल्म नहीं होगी। फिल्म खूबसूरत तभी लगती है जब हर कैरेक्टर अपना किरदार अच्छे से भी पोर्ट्रे करे। सो मेरे सामने तो हमेशा यही हुआ है। तो आई रियली डोंट नो, आई रियली फील के हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हुई हो और कुछ तो गलत हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू मी पवन जी इज अ वेरी नाइस पर्सन। आपने उनके साथ 5 फिल्में की है, जिस तरह से उनका इमेज बनाया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो आपको क्या लगता है कि उस तरह के है वो? मुझे तो नहीं लगता उस तरीके के। अगर उस तरीके के होते तो कहीं ना कहीं 5 फिल्मों में 1 फिल्म में तो मेरे सामने नजर आता ना। कहीं ना कहीं किसी को तो मारा होता, किसी को तो गाली गलौज की होती, कुछ तो। मेरे सामने तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। विद मी तो ही इज बीइंग वेरी नाइस। अब पूछो। बीइंग अ वुमन, अक्षरा सिंह ने जो भी बयान दिया है या जो भी एग्जाम लगाए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती है? अगर ये झूठ है तो उसके ऊपर क्या कहना? बीइंग अ वुमन, इफ यू आस्क मी, अगर ये सच है तो पवन जी गलत हैं। बट उनके कहने में कितनी सच्चाई है, पहले वो उसका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है कि जो वो कह रही है वो सच है। मुझे तो पता नहीं, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप, सो आई रियली डोंट नो कि वो सच बोल रही हैं या पवन जी सच हैं, कौन सच है आई डोंट नो। अगर लेकिन अगर एज अ वुमन यू विल आस्क मी इफ वॉट एवर अक्षरा जी सेइंग कि ये सब चीज़ें उनके साथ हुई हैं, देन पवन जी इज़ रॉन्ग। बट आई फील, मेरा दिल कहता है कि पवन जी उस तरीके के हैं नहीं, बिकॉज आई हैव वर्क्ड विद हिम। ही इज नॉट वन पर्सन जो किसी पे हाथ उठाएंगे, गाली गलौज करेंगे या किसी को निकलवाएंगे। आज तक तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, सो आई रियली डोंट नो। अक्षरा जी बोल रहे कि उनके भाई कॉल करके मुझे फोन मतलब धमकी दे रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि पवन सिंह ऐसा करवा सकते हैं? I don't think so. अच्छा ठीक है, आप पवन सिंह को प्रोफेशनली जानती हैं, बट पर्सनली आपको लगता है कि पर्सनल तौर पे जाकर वो इतना कुछ कर सकते हैं किसी के साथ? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज प्रोफेशनल जितना मैं उनको जानती हूँ, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और मेरे साथ बहुत अच्छे से काम किया है। मैं तो पहली फिल्म से उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो अगर उनमें अगर 1% भी वैसा होता तो मुझे पहली फिल्म से ही पता चल जाता, बिकॉज उस टाइम पे वो स्टार थे एंड आई वाज अ न्यूकमर। तो कहीं ना कहीं वो अपना स्टारडम मेरे सामने दिखाते, बट ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी स्वीट टू मी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। इवन दिनेश जी वॉज देयर इन दैट फिल्म, दिनेश जी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि ही कैन डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अगर इंसान के अंदर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं 5 फिल्म में मुझे कहीं तो दिखता कि यार ही इज लाइक दैट। आखिरी सवाल, मधु जी क्या पवन सिंह जी के साथ हैं? मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ, मैं 100% उनको सपोर्ट करना चाहूँ, कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ही इज राइट। वन मोर क्वेश्चन, कि सेट पर पवन सिंह का जो बिहेवियर था आपके लिए या बाकी लोगों के लिए, कास्ट के लिए, कैसा था? बहुत अच्छा था। और लोग, मैंने यहाँ तक सुना है कि वो कहते हैं लोग लेट आते हैं उनकी वजह से, फिल्म 12 बजे शूटिंग शुरू होती है या 2 बजे शुरू होती है। हमारे सेट पे 7 बजे की शूट हम जोधपुर में लगाते थे, 7:15 बजे विद मेकअप ही यूज्ड टू बी रेडी। एंड उन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमें इस फिल्म के अंदर, शायद ही कोई करता। ही इज़ ऑल, रेगिस्तान में 80 किलो के इंसान को लेके भागना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, उन्होंने वो किया है। एंड कभी कोई टैंट्रम्स नहीं दिखाया कि मैं थक गया हूँ, इतनी गर्मी है, रेगिस्तान में मैं कैसे भागूँ। उनका हमेशा फुल सपोर्ट रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि जो लोग कहते हैं वो सच है। तो मैं कुछ, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, मैं किसी को बिलीव नहीं करती। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अक्षरा सिंह बयान दे रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं और ये सब चीजें बता रही हैं, तो वैसे पवन सिंह को भी अपनी तरफ से अपना साइड सामने रखना? आएंगे आएंगे वो भी अपने, अभी मैं कह तो रही हूँ जय हिंद रिलीज हो रही है तो नेचुरली वो सबके सामने आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग उनसे सवाल पूछिए, वो जरूर आप लोग को जवाब देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.